वॉचिंग अलर्ट इंडिया न्यूज। जम्मू संभाग में लखनपुर और ठंडी खुई में टोल प्लाजा लगने जा रहा है। इन टोल प्लाजाओं के लगने से पहले ही लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने भी सांबा में टोल प्लाजा लगने पर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अगर ये टोल प्लाजा लगते हैं तो जम्मू के डोगरों के साथ बेइंसाफी होगी। हमने सुना है कि दोबारा ये टोल टैक्स जो है नेशनल हाईवे के ऊपर टोल प्लाजा जो है ये शुरू करने जा रहे हैं। पैंथर पार्टी इसका विरोध करती है और हम गवर्नर महोदय से ये विनती करते हैं कि इस पर दोबारा गौर फरमाया जाए, ताकि आगे ही जब कोई भी व्यक्ति गाड़ी लेता है तो उसके ऊपर आगे ही टैक्स रोड टैक्स लगा होता है। पेट्रोल और डीजल के आगे ही इतना हाई जो है उनके रेट्स हो गए हैं टैक्सी डालकर, तो अगर दोबारा ये टैक्सी लगाएंगे तो हम समझते हैं कि ये जम्मू के डोगरों के साथ बेइंसाफी होगी। और ख़ासकर जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, अगर हम कठुआ जाएंगे तो इधर भी टोल प्लाजा होगा, अगर जम्मू जाएंगे इधर भी टोल प्लाजा होगा, तो हम समझते हैं कि हमारे लोगों का घर से निकलना जो है ये मुश्किल हो जाएगा। और हम ये विनती करते हैं कि जो टोल प्लाजे लगाने जा रहे हैं इनको ख़त्म किया जाए। तो ये मैं कहूँगा कि लोगों को हर एक चीज़ जो है ये बड़े जो अधिक दाम पे प्राप्त हो रही है। सरकार के दावे हैं कि इतने रोड बना रहे हैं और उत्तरी तरफ से टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि टोल प्लाजा का पैंथर पार्टी विरोध करती है। और हम ये कहेंगे कि टोल प्लाजा कभी भी पैंथर पार्टी सह नहीं करेंगी। और आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले जब ये सिरोर में टोल प्लाजा शुरू हुआ तो हमारे गंगाराम जी जो सबका मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। लाल सिंह जी ने कठुआ में विरोध किया था। और हम विनती करते हैं कि दोबारा आगे आए और ये टोल प्लाजा जो है ये हर किसी नहीं लगना चाहिए, ताकि जो लोगों पे अतिरिक्त बोझ है ये लोगों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। सांबा से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।